30 साल पहले जब 1994 में मैं इंडिया वापस आया तो सबसे पहले तो इंडिया में ये सर्जरी होती ही नहीं थी। एक आध सेंटर में मुंबई में दिल्ली में होती थी और करने में घंटों लगते थे, पेशेंट भी तैयार नहीं होते थे। कम से कम 2-3 घंटे की सर्जरी होती थी, 10-15 दिन पेशेंट हॉस्पिटल में रहता था, 8 इंच का लंबा इंसिशन लगता था और पेशेंट का पेन, फिजियोथेरापी, हर चीज़ करीबन 2-3 महीना तक चलता था। उसके बाद रिजल्ट बढ़िया मिलता था लेकिन पूरा का पूरा पेशेंट को काफ़ी हद तक पेनफुल एक्सपीरियंस रहता था। हुआ ये है कि ओवर द 30 ईयर्स विथ आवर एक्सपीरियंस एंड इनोवेशन इन सर्जरी, इनोवेशन इन इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स, सर्जरी का समय 15-30 मिनट हो गया है। पेशेंट को हॉस्पिटल में 2-3 दिन ही रहना पड़ता है, 2 घंटे में पेशेंट चलने लगता है। एक साइड का नहीं करते तो पेशेंट को ब्लड भी नहीं देना पड़ता है। फिजियोथेरापी भी बहुत कम हो गई। पहले जब नहीं करते थे तो पट्टे बांधते थे, अभी पट्टे भी नहीं बांधते हैं। दूसरे दिन पेशेंट सीढ़ी चढ़ता उतरता है, 3 दिन में पेशेंट घर चला जाता है और 2 हफ्ते में स्टिच निकलने के बाद पेशेंट मॉर्निंग वॉक, देवदर्शन वगैरह सब करने लगता है। तो पूरा जो एक पेनफुल एक्सपीरियंस था वो 30 साल की संशोधन, इनोवेशन और हमारी काबिलियत की वजह से ये सर्जरी 15-30 मिनट की हो गई। पेशेंट का एक्सेप्टेंस भी बहुत बढ़ गया। हुआ ये है कि हमने ये जो भी इनोवेशन और संशोधन करे हैं तो उसको एक नाम दिया है ज़ीरो टेक्निक। तो इसी को हम ज़ीरो टेक्निक कहते हैं कि पेन भी ज़ीरो तक ले आए, इंस्ट्रूमेंटेशन ज़ीरो तक ले आए, जो इंसिशन था 8 इंच का वो 4 इंच का हो गया, मतलब हर चीज़ ज़ीरो के नज़दीक आ गई और पेशेंट का एक्सपीरियंस ऐसा हो गया कि पेशेंट सर्जरी के बाद तुरंत ही दूसरे 4 लोग को बोलता है कि ये करा लो, दुखी क्यों हो रहे हो। पहले तो ये होता था कि 2-3 महीने तक पेशेंट परेशान होता था तो पेशेंट दूसरे पेशेंट को बोलता था कि भाई अभी ये मत कराना, चलता है तब तक चलाओ। अभी जाके पेशेंट घर जाके 4 लोग को बोलता है कि जल्दी से करा लो, दुखी क्यों हो रहे हो। तो इतना फ़र्क पेशेंट के एक्सेप्टेंस में भी पड़ गया है कि पेशेंट जल्दी से जल्दी सर्जरी कराने आने लग गए हैं। सबसे पहले तो ये नई टेक्निक नहीं है, ये यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट कहा जाता है, UKR कहते हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट में नी जॉइंट में 3 पार्ट होते हैं, वो तीनों बदले जाते हैं। UKR में एक ही पार्ट बदला जाता है, जब एक ही पार्ट खराब हो तो एक ही पार्ट बदलते हैं। अभी ये यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट जो है मैं 1999 से करता हूँ। अब जाके उसमें भी काफ़ी इनोवेशन, इन्वेंशन सर्जिकल टेक्निक में हुए हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन में हुए हैं। लास्ट ईयर एक टक्स प्लास्टी करके ऑपरेशन का आविष्कार हुआ। वो टक्स प्लास्टी क्या है वो मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आप लोग को। टक्स प्लास्टी शॉर्ट फॉर्म है टक्स, ताहो यूनिकोंडाइलर नी सिस्टम, तो हमने उसका शॉर्ट फॉर्म टक्स करके टक्स प्लास्टी। यानी कि ये जो सर्जिकल टेक्निक है वो पहले जो हम यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट करते थे उसके सामने काफ़ी बढ़िया है। इसमें इंसिशन 2 इंच का ही होता है, पेशेंट 2 घंटे में चलने लगता है, 4 घंटे में सीढ़ी चढ़ता है, दूसरे दिन घर चला जाता है। पेन नहीं के बराबर होता है, पेशेंट की रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है, पेशेंट जमीन पे भी बैठ सकता है और
ऑपरेशन के बाद तुरंत कोई भी सपोर्ट के बिना या कोई भी बाहरी सपोर्ट के बिना पेशेंट सीधा अपने आप चल सकता है। तो ये टक्सप्लास्टी बहुत बड़ा आविष्कार है घुटनों के ऑपरेशन के अंदर। टक्सप्लास्टी की विशेषता सबसे बड़ी तो यह है कि जो ऑपरेशन पहले UKR बोलते थे और पहले के इम्प्लांट यूज़ करते थे, तो इसमें जो इम्प्लांट है वो इम्प्लांट लेटेस्ट डिज़ाइन का है। उसमें गोल्ड वर्जन भी आता है, दैट इज टाइटेनियम नियोबियम कोटिंग वर्जन भी आता है, प्लस उसका जो पोली है जो वेयर होता है जिसकी लाइफ कम होती है वो विटामिन ई पोली है। तो विटामिन ई पोली होने की वजह से उसकी लाइफ बहुत लंबी हो जाती है, मतलब 20-25 साल तक कुछ भी नहीं होता है उसको। वो बात कही मैंने इम्प्लांट की, बात रही अभी इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो उसकी एक्यूरेसी इतनी है, इंस्ट्रूमेंटेशन की एक्यूरेसी इतनी है कि कॉमन सर्जन भी प्रिडिक्टेबली ये सर्जरी कर सकता है और 20-25 साल तक का रिजल्ट दे सकता है। ये इंस्ट्रूमेंटेशन की जो तकनीक है, टेक्निक है, वो वीडियो के जरिए बताना मुश्किल है, लेकिन वो जटिल भी है और सिंपल भी है और बहुत ही प्रिडिक्टेबल रिजल्ट देने में कामयाब रही है। और टक्सप्लास्टी की खूबी ही ये है कि आप हर एक एक्टिविटी कर सकते हो और कोई पाबंदी नहीं है। आप गोल्फ खेलो, टेबल टेनिस खेलो, टेनिस डबल्स खेलो, माउंटेनियरिंग करो, साइकिलिंग करो, खेलकूद के सिवाय ज़मीन पे बैठना है, इंडियन टॉयलेट यूज़ करना है, टक्सप्लास्टी में आप कर सकते हो बिना चिंता किए।